So our next topic is motion of a charge in a magnetic field. हमने पहले पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब हम ये देखेंगे कि अगर सपोज एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका मूवमेंट कैसा हो सकता है, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। विल डिस्कस द पॉसिबल केसेस, ऑल द पॉसिबल केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन, कि अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो एज पर दिस लॉरेंज इक्वेशन फोर्स विल बिकम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वो इट विल रिमेन एट रेस्ट। सेकेंड केस, अगर वी बराबर वी जीरो, उसकी वेलोसिटी वी नॉट के बराबर है, बी बराबर बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है, ई नॉट जीरो है और वी नॉट और बी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और बी नॉट दोनों आपस में पैरेलल हैं, इस कंडीशन में अगेन फोर्स विल बिकम इक्वल टू जीरो, दैट मींस इट विल कीप ऑन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये दो केस हमने पहले डिस्कस कर रखा है, वही केस वापस, कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट तो इट विल कीप ऑन मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड केस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, इज व्हेन वी इज इक्वल टू वी नॉट, पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के बराबर है, बी बराबर बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है, अगेन ई नॉट जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन एंगल 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, एंड एज वी नो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वी और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं और फोर्स वी क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के भी मैग्नेटिक फील्ड के भी। वी हैव डिस्कस दिस, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वजह से क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थी वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वाज इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं, कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। इस कंडीशन में द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कुलर पाथ, इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। हाउ, यहां पे देखते हैं, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर जा रही है, यहां से एक पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से रिलीज कर दिया गया, उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, वी नॉट क्रॉस बी नॉट, अंदर की तरफ फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इस समय पर पार्टिकल को सीधा जाना चाहिए था अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता, लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, साइडवेज डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, अगेन हमें मालूम है उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी स्पीड वी नॉट ही रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे क्या फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट क्रॉस बी नॉट, इधर अंदर की तरफ, ऐसा। पार्टिकल कैसे जाना चाहिए था, इट शुड हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या, वो यहां पे नहीं आएगा बल्कि यहां पे कहीं आ जाएगा। यहां पे आने के बाद क्या हुआ, अगेन इसकी वेलोसिटी स्पीड वी नॉट रही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वी नॉट क्रॉस बी नॉट, किधर, नीचे की तरफ, वो यहां जाने के बावजूद वो यहां पे आ जाएगा, एंड दस ऐसे ही करते हुए इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस, और फिर जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पे जरूर वापस आएगा। दिस इज सिमिलर टू कि एक रस्सी से कोई मास बंधा हुआ है, रस्सी जो उस मास के ऊपर फोर्स लगा रही है टेंशन, वो सेंटर के टुवर्ड्स है, उसकी वेलोसिटी क्या है,
इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड दैट कंडीशन दिस सिमिलर एज द सेम एज कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एज इफ उसको किसी रस्सी से बांध रखा है। इस कंडीशन में जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू वी बी के बराबर होगा, और क्यू वी बी जो फोर्स है दैट इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी वी और वी कैंसिल हो जाएगा, आर यहां ले गए, आर विल बिकम इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, मतलब रेडियस ऑफ द पार्टिकल, जिस रेडियस में वो पार्टिकल घूमेगा दैट विल बिकम इक्वल टू एम वी नॉट बाई क्यू बी। मतलब ग्रेटर इज द रेडियस, अगर आर ज्यादा है तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो आर ज्यादा होगा, अगर उसको ज्यादा मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से छोड़ा गया तो उसका ज्यादा रेडियस में वो कवर करेगा। दिस व्हाट इज रिटन, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर रेडियस विल बी ग्रेटर। अगर मैं फाइंड करूं कि उस पार्टिकल को कंप्लीट सर्कल करने में, यहां से वापस इसी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी कितनी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई जो उसकी वेलोसिटी है वी नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, आर की वैल्यू मैंने यहां से उठा के रख दी, 2 पाई आर एम वी नॉट अपॉन क्यू बी डिवाइड बाई वी नॉट, कितना हो गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। दिस इज द टाइम पीरियड, ए फॉर्मूला दैट वी मस्ट रिमेंबर, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उस मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इवन आप इस पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कीजिए वो उतने ही टाइम में इस सर्कल को कंप्लीट करेगा। ज्यादा वेलोसिटी से कवर करेंगे तो क्या होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लेकिन इट विल टेक सेम टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस फिनोमिना इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ साइक्लोट्रॉन्स। नाउ लेट अस से एक स्पेस में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। हमने एक पार्टिकल को चार्ज क्यू को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हाउ विल इट मूव, इट विल मूव वी नो इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस। वेलोसिटी इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इस पेपर के प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ। सो हाउ विल द मोशन बी, इट विल बी सर्कुलर, विथ सर्कुलर मोशन हुज रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्यू एम वी अपॉन क्यू बी, ये इसका रेडियस होगा। कैसे, वेलोसिटी क्रॉस बी, किधर हो गया फोर्स, अंदर की तरफ, साइडवेज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ऐसे लग रहा है इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस। अब अगर इसी पार्टिकल को इसकी दुगनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वेलोसिटी अगर इसको इसको हम विस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते तब क्या होता, अगेन ये सर्कुलर पाथ में ही मूव करता और इस बार वो डबल रेडियस का सर्कल को कवर करता, इट वुड हैव मूव्ड अगेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन इस बार रेडियस क्या होता उसका, रेडियस उसका दुगना हो जाता और अगेन इसी पॉइंट पे वापस आता। कितने समय के बाद वापस आता, उतने ही समय के बाद वापस आता जितना कि इस केस में आया था, क्योंकि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी का। अगर इस वेलोसिटी से, जो इनिशियल वेलोसिटी थी मान लीजिए वी नॉट, उसकी आधी वेलोसिटी से करते प्रोजेक्ट तब क्या होता, तब पार्टिकल इसी पॉइंट पर वापस जरूर आता, लेकिन इस बार आता, इस बार क्या होता, इस बार जो रेडियस होता उसका कितना होता, वो आधा हो जाता, आर बाई टू हो जाता। तो एज वी सी कि रेडियस डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो वो ज्यादा बड़े रेडियस के सर्कल में घूमेगा, लेकिन इन ऑल द केसेस इट विल टेक सेम टाइम, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। अगर ये चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव नहीं होता बल्कि नेगेटिव होता तब क्या हो जाता,
फोर्स विल बिकम इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी. सब कुछ सेम होता, बस फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती. तो इंस्टेड ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, वो इस सर्कल को कवर करता. नाउ व्हाट अबाउट अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी होती, वी नॉट, लेट अस से ये किसी एंगल पे है, एक्स एक्सिस है, अब क्या होता? अगेन अगर ये वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में है तो इट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है. इट विल स्टिल मूव इन ए सर्कुलर पाथ. जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे वापस जरूर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? एक सर्कुलर मोशन को ट्रेवल करने के बाद आएगा, लाइक दिस. क्या हो रहा है यहां पे? यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल एंड इट विल मूव अगेन इन सर्कुलर पाथ एंड मूव लाइक दिस. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी वी नॉट इस डायरेक्शन में होती तब क्या होता? अगेन वेलोसिटी वी नॉट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस प्लेन के अंदर है. वो इसी पॉइंट से स्टार्ट करता और फिर वापस इसी पॉइंट पे घूम के आ जाता जहां पे आर इसका ये रेडियस होता, दैट विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू नॉट क्यू बी. जिस पॉइंट से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया उस पॉइंट पे वापस इसको जरूर आना है. वो इनिशियल वेलोसिटी इस सर्कल के टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी. उसी तरीके से अगर पार्टिकल को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाए तो वो जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है सर्कुलर मोशन में चलेगा, लेकिन अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है तो यहां पे क्या होगा? यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देगा. नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हाट अबाउट दिस वेलोसिटी? जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्कल का छोटा सा आर्क बनाएगा. जैसे इसके बाहर जाएगा इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हाट अबाउट दिस वेलोसिटी? जब तक वो अंदर है तब तक वो सर्कल का हिस्सा रहेगा, जैसे इस पॉइंट के बाहर आएगा इट मे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हाट अबाउट दिस वेलोसिटी? जस्ट मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस. और अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री खत्म होगी तो इस पॉइंट के बियॉन्ड इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. तो जितने टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतने टाइम में इट विल कीप ऑन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. इफ इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इट विल स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, देयर आर सम अदर डेरिवेशंस व्हिच वी नीड टू डू. अगर मुझे फाइंड करना है, बताइए इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वी नो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड बाय 1 बाय टाइम पीरियड. That will be equal to QB upon 2 pi m. It is also called as cyclotron frequency. Angular velocity क्या होगी, या angular speed या angular frequency? Angular velocity या angular frequency क्या होगी? Omega बराबर 2 pi by t. That is equal to how much? QB by m. Simply time period को यहां रख देंगे and that will be equal to QB by m. तो उस पार्टिकल को अगर मुझे फाइंड करना है जब तक सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है कि टी टाइम में वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू टी, जहां पे क्यू बी बाई एम कितना है? ओमेगा के बराबर है. रेडियस वी नो इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. एम वी किसके बराबर है? मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर है. तो वी कैन से रेडियस बिकम्स इक्वल टू मोमेंटम मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई क्यू बी. और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? मोमेंटम इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 2mk अंडर रूट. इस फॉर्मूले को याद रखिए. कैसे? वी नो दैट k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों साइड को m से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 2mk एंड देयरफॉर p बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk. अक्सर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में इस फॉर्मूले को हमें यूज करना होता है. Therefore, radius will become equal to also equal to root 2mk upon qb. तो कई questions में आपको उस particle की kinetic energy दे रखी होगी. आपको उस particle का radius निकालना होगा किसी magnetic field में. तो this formula will be used. कुछ questions में आपको kinetic energy ना देने के बजाय आपको ये दिया जाएगा कि इस particle को कितने potential difference से गिराया गया. And in that case, काइनेटिक एनर्जी विल सिंपली बी इक्वल टू इस पार्टिकल का चार्ज इनटू जिस पोटेंशियल डिफरेंस से इसको गिराया गया था. देयरफॉर रेडियस इन दैट केस विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? रूट टू एम
क्यू वी अपॉन क्यू बी। जहां पे दे रखा है क्वेश्चन में कि इस पार्टिकल को वी पोटेंशियल डिफरेंस से गिराया गया, उस क्वेश्चन में रेडियस विल बिकम इक्वल टू 2mq इनटू वी, जहां पे वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिससे उस पार्टिकल को गिराया गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू इनटू वी के बराबर हो जाएगी अपॉन क्यू बी।